बिकॉज हमारे यहाँ राजा थे महाराजा उमेद सिंह जी, उन्होंने ये पैलेस बनाया था तो उनके नाम से ये जाना जाता है। ज़्यादा पुराना पैलेस नहीं है, 1929 में ये बनना स्टार्ट हुआ था और 1944 में पूरा कंप्लीट हुआ था। इस पैलेस को बनते हुए 15 ईयर लगे थे। इस पैलेस को बनाने के पीछे रीज़न ये रहा था कि उस साल हमारे यहाँ कंटिन्यू 6 ईयर तक बारिश नहीं हुआ। ये जो पार्ट जहाँ आप हो जोधपुर, उसको मारवाड़ बोला जाता है, सुना है मारवाड़? जैसे उदयपुर मेवाड़ है, ये मारवाड़ है। मारवाड़ का मतलब ही होता था मरुभूमि, लैंड ऑफ डेथ बोलते थे इसको, क्योंकि यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। सूखा अकाल बहुत पड़ते थे, पानी नहीं था, गर्मी बहुत था। अभी भी पीने का पानी हमारे पंजाब से आता है, इंदिरा गांधी कैनाल का। तो उस समय 6 साल तक यहाँ पे बारिश नहीं हुआ, तो पब्लिक के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। वो जोधपुर छोड़ के बाहर जा रही थी पब्लिक। तो महाराजा उमेद सिंह जी ने ये पैलेस पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बनाया। तो उस समय यहाँ पे एवरीडे 3000 लोग काम करते थे। उस समय एक लेबर को पर डे के मिलते थे 25 पैसे और उनकी फैमिली को खाना दिया जाता था। तो जब ये पैलेस बन के कम्प्लीट हुआ 1944 में, उस टाइम में इस पैलेस को बनाने में जो खर्चा आया था 44 में, वो आया था 94,51,565 रुपीज़, जो अभी सुनने में आपको कम लगता है, लेकिन 44 में बहुत बड़ी रकम थी, 1 करोड़। तो ये जो पैलेस आप देखना है, ये पूरे एशिया में सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस है और वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट पैलेस है। इसके बाद में कोई पैलेस नहीं बना, सबसे लास्ट पैलेस यही बना है। इस पैलेस का जो टोटल एरिया है, जो लैंड है इसका, वो करीब 26 एकड़ है और इस पैलेस के अंदर 347 रूम्स हैं। उसके अलावा 5 स्विमिंग पूल, 2 टेनिस कोर्ट और 1 मूवी थिएटर भी है। और इस पूरे इंटायर पैलेस को बनाने में ये जो पत्थर यूज किया है, ये जोधपुर का पत्थर है, सैंड स्टोन बोलते हैं। हमारे इंडिया का जो राष्ट्रपति भवन बना है, अक्षरधाम के जो टेम्पल हैं, अभी अयोध्या का जो मंदिर बन रहा है, उसमें भी ये स्टोन यूज आ रहा है। ये जोधपुर का स्टोन है ना। तो इस स्टोन को ज्वाइंट करने के लिए सीमेंट का कहीं भी यूज नहीं है। सारा जो स्टोन है ना, ये इंटरलॉकिंग हो रखा है, इसको वापस खोल भी सकते हैं, जैसे पजल गेम होता है ना, जैसे इंटरलॉकिंग से बनाए गए। इस पैलेस के जो आर्किटेक्ट है वो इंग्लैंड के थे, लैंकास्टर हेनरी नाम था उनका, और इंटीरियर का जो काम किया है वो पोलैंड के आर्किटेक्ट ने किया है। अभी प्रेजेंट टाइम में रिसेंटली ये पैलेस 3 पार्ट में डिवाइड है, बिकॉज अभी भी हमारे यहाँ जोधपुर में राजा हैं, जनरेशन चल रहा है। तो अभी जो जोधपुर के राजा हैं वो रहते हैं यहाँ पे, ये उनका घर है, ये रेजिडेंस है रॉयल फैमिली का। अभी 7 मेंबर हैं रॉयल फैमिली में। इसलिए देखो, सबसे पहला जो ये पार्ट है, ये वाला, वो गेट के ऊपर एक स्ट्रक्चर लगा है ना, तोरण,